लेकिन नंबर इसके बहुत कम है भाई, नंबर बहुत कम है। नंबर तो कम आए हैं, मैडम भी बोली थी नंबर कम आए इसको। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, finally पीयूष का रिजल्ट आ चुका है और पीयूष फाइनली पास हो चुका है, ये देखो भाई। लेकिन नंबर इसके बहुत कम है भाई, नंबर बहुत कम है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार इतने बड़े स्कूल में गया, उसके हिसाब से सही है। 55, 65, 58, 57, 90। चलो मेरे को डर लग रहा था कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन फाइनली पास हो चुका है और मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं जब पहली बार इंग्लिश मीडियम में गया था ना, तो मैं भी भाई इतनी मुश्किल से पास हुआ था, क्योंकि मैं पूरे एकदम से इंग्लिश में आ गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो एकदम से इतनी मुश्किल से पास हुआ था मैं। तो हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ पीयूष का भी। लेकिन आने वाली क्लासेस में भी, 8th क्लास में 9th क्लास में आएगा, फिर 10th में आएगा, फिर 11th में, फिर 12th में, तब तक इम्प्रूव हो जाएगा ये, तब तक ये यूज हो जाएगा बड़े स्कूल का। वेल डन भाई, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना, ठीक है। ये नंबर 80-90 तक पहुंचने चाहिए। नंबर तो कम आए हैं, मैडम भी बोली थी नंबर कम आए, इसको है मेहनत करने की जरूरत है, बैग तो कम लाया है। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, हरी सब्जी रोटी है। लेकिन गाइस, बड़े स्कूल में जाने से ना पीयूष इंप्रूव बहुत हुआ है, इसकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, इसके बोलने का तरीका, इसका मतलब बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है, जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और कुनाली का भी, कुनाली का तो अभी फर्स्ट क्लास में भी नहीं आया कुनाली। कुनाली तो चलो, कुनाली का तो बिल्कुल बेस है, तो कुनाली तो सही हो जाएगा, अब प्रमोट हो गया फर्स्ट में। तो अब गाइज, हम जा रहे हैं महिंद्रा अपनी थार लेने के लिए। फाइनली हमारी थार ठीक हो चुकी है, तो अभी तो हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, फिर वहाँ से ऑटो लेंगे, फिर ऑटो से महिंद्रा जाएंगे, क्योंकि साहिल है नहीं, गाड़ी सिर्फ मुझे लाने आती है, तो अगर गाड़ी ले जाएंगे तो फिर दूसरी गाड़ी कौन लाएगा, इसीलिए। गाइज, जैसे ही हम घर से निकले, बारिश स्टार्ट हो गई है, थार हमारी यहीं पर ही आ रही है, हमने यहीं पर बुलवा ली, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश में ऑटो वगैरह मिल नहीं रहा हमको। तो गाइज, हमारी थार आ चुकी है, मस्त बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। थार अपने को मिल चुकी है और मस्त बारिश हो रही है, देखो। और महिंद्रा वालों की सर्विस इतनी मस्त है ना, मतलब गाड़ी 2 दिन में ठीक करके दे दी, और आज महिंद्रा बंद है फिर भी गाड़ी दे दी, देख लो भाई, बेस्ट सर्विस है महिंद्रा की। मतलब पहले चलते हैं निर्मल भैया के पास में। निर्मल भैया के घर पहुंच गए, ओहो बड़े लोग आ चुके हैं। हेलो कानू, अरे ओए ओए भाई, गए थे मार्केट पहुंच गए, और देखो यहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। जब यहाँ बारिश होती है तो हमारे घर में बारिश नहीं होती, जब हमारे घर की साइड बारिश होती है तो मार्केट में बारिश नहीं होती, ऐसा ही होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पहाड़ है ना, पूरा सूखा पड़ा इधर। तो देखो गए, देखो पहाड़ में तो धूप आ रखी है। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये कुछ लोग हमको फॉलो कर रहे थे तो हमको रोकनी पड़ी। तो गए, सामने का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, बादल, पहाड़, पुल, नदी। मतलब ये यहाँ पे झाड़ियाँ नहीं थी ना पहले, यहाँ पूरा ग्राउंड था, यहाँ लेफ्ट में ना पूरा ग्राउंड था। देखो गाइस, यहाँ पे वो रखी है लैंडस्लाइड। अबे यार कीचड़ है, अबे यार कीचड़ में धूल हुई गाड़ी, कीचड़ में गई, हो गया काम इसका। तो भी गाइस यहाँ पे रुके हैं, यहाँ से हल्द्वानी दिख रही है मस्त, देखो हमारा घर है वहाँ पे लास्ट में, हल्द्वानी के लास्ट में, फिर वहाँ से हम वहाँ पे गए, नदी नदी क्रॉस की हमने, फिर उस जंगल में आए हम, फिर उस जंगल से ये जो रोड दिख रही है, इस रोड में आए और अब यहाँ आ गए, देखो चढ़ते चढ़ते। और गाइस, एक गुड न्यूज आने वाली है, एक मस्त चीज आने वाली है, तो उसका वेट करना, तो गैस करना वो क्या हो सकती है, वो निर्मल भैया से रिलेटेड है, वो कुछ शादी नहीं है। चलो अब चलते हैं यहाँ से, यू टर्न लेके वापस नीचे। तो अभी गाइस निर्मल भैया के घर पहुंच गया, निर्मल भैया को ड्रॉप करते हैं और चलते। देखो मैं कहाँ से मोड़ रहा हूँ आज, इतनी पतली सी रोड से मोड़ रहा हूँ मैं, नहीं 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 नहीं, अरे देख रहा हूँ, खाली मोड़ूंगा, हल्का ही है भाई, बहुत टाइट है भाई, अभी टाइट लग रहा होगा, वैसे जब चलती है ना तब तब ढीला हो जाता है। चल तो उधर चल, उधर चल, तू बाहर आ, बाहर आ। गाइस पीयूष ने चलाई नहीं है, ये मत बोलो पीयूष चला रहा है, पीयूष चलाई नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग ऐसे घुमाया उसने। गाइस आज तो सब कुछ सुंदर लग रहा है, देखो ये रोड कितनी सुंदर लग रही है। सोसाइटी पहुंच गए, फिर पे अपना परिचय दें, गाड़ी को नोट कराएं, पहुंच गए घर। फाइनली आज थार अपने घर आ गई, गंदी कर दी लेकिन अपन ने। गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो ड्रोन उड़ाना तो बनता है ना, ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन से दिखाता हूँ आपको। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई बारिश में, हमारे कपड़े नहीं सूख रहे एक भी, सुबह से रख रखे हैं, सारे गीले हो गए और गीले हो गए हैं बारिश में, चलो सूख जाएंगे 2 दिन। गाइस मैंने इतनी बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर ली, लेकिन बार बार बारिश की बूंदे आ रही है, तुमको डर लग रहा है कि बारिश आ जाएगी बारिश, लेकिन बारिश आ नहीं रही, जैसे ही मैं रुक रहा हूँ फिर बारिश आ रही है, फिर रुक जा रहा हूँ फिर बारिश आ रही है, ऐसे हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ, मैं उड़ा ही देता हूँ, देखी जाएगी, अब रिस्क ले ही लेते हैं। तो गाइस अब ना मैं आपको अपना पूरा शहर दिखाता हूँ ड्रोन से, पूरा ऊपर ले आके, कि मतलब क्या क्या है आसपास, किस तरह से घर हैं, किस तरह से पहाड़ हैं, किस तरह से जंगल है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, मैं वो सब करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हमारा शहर हल्द्वानी, जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ये सारे घर हल्द्वानी के ही हैं, और सामने आपको दिख रहे होंगे प्यारे प्यारे पहाड़,
तो हम यहाँ से पहाड़ों में एंटर कर सकते हैं, नैनीताल भीमताल सब पहाड़ों में ही है ऊपर जाके। तो राइट में आपको दिख रहा होगा, राइट में जो नीचे का एरिया है ये है जंगल, ये हमारे घर के पीछे ही है ये जंगल। तो हाँ पीछे की साइड पूरा जंगल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, तो ये राइट साइड में पूरा जंगल है। और जो सामने आपको दिख रहा है वो है गुलरबोज डैम, जहाँ पे हम जाते रहते, आपने देखा होगा समंदर जैसा है ना जो, तो देखो वो यहाँ से भी दिख रहा है। और ये है पूरा जंगल और राइट साइड में पहाड़, बीच में सिटी, तो ये है हमारी पूरी हल्द्वानी सिटी। तो गाइज अब आपको चल गया, आपको बताओ कि मेरे को हल्द्वानी इतना पसंद क्यों है। सबसे मेन तो सोसाइटी देखो कितनी मस्त सोसाइटी है, कितनी शांति यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल पीपल वाली फीलिंग आती है कि कोई कोई आता भी नहीं एकदम से, बिल्कुल शांति सी है। दूसरी चीज़ बगल में जंगल है, कोई भी जंगल जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और जिम कर भी जा सकते हैं, वहाँ पर जंगल सफारी कर सकते हैं, वहाँ पर एनिमल्स हैं। और बगल में पहाड़ है तो पहाड़ पर जा सकते हैं, पहाड़ पर जाके पहाड़ वाली मैगी खा सकते हैं, नदियों में जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग करने के लिए जा सकते हैं, कैंपिंग के लिए जा सकते हैं। तो मतलब बहुत कुछ है, नेचर है बेसिकली, इतनी हरियाली यहाँ पे। तो इसीलिए पता नहीं फ्यूचर में मैं यहाँ रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, बिकॉज मेरा अब काम दिल्ली मुंबई होता है, आपको पता होगा मैं जाते रहता हूँ हर महीने। तो क्या पता मुझे लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, बट फैमिली शायद यहाँ रहेगी, तो जब तक मैं यहाँ तब तक यहाँ के मज़े ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं बहुत मिस करूँगा यहाँ को अगर जाऊँगा तो इसलिए मैं डेली डेली पहाड़ पे जंगल में हम चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को इतना पसंद आता है ना यहाँ पे, इतना सुंदर लगता है ना। तो हाँ बस यही रीज़न है कि मुझे हल्द्वानी इतना पसंद है। तो भैया अंधेरा भी होने वाला है, तो सारे कपड़े यहाँ से उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, देखो सूखे तो है नहीं, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया, देखो ये मेरी जीन्स वगैरह है, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक शिफ्ट कर दिए सारे कपड़े। मौसम देखो भाई, बारिश आ सकती है, रात को भी बारिश आ सकती है। और गाइस यहाँ का ना मौसम भी अलग ही है, मतलब मार्केट में बारिश हो रही होती है, यहाँ बारिश नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ बारिश हो रही होती है, वहाँ पे नहीं हो रही, मतलब क्लाइमेट भी अलग ही है, बहुत प्यारा सा है, ठंडा ठंडा सा। तो भैया आ चुका हूँ पीयूष गेमिंग स्टूडियो में, देखो क्या हाल कर रखा है भाई, गेमिंग स्टूडियो का क्या हाल कर रखा है। और यहाँ पीयूष बैठे हैं, और ये देखो भाई कितना मस्त लग रहे हैं, किंडर जॉय वाले टॉय सारे यहाँ रख दिए, कुछ यहाँ रख दिए, पीयूष गेम खेल रहा है भाई। मेरे को समझ में आता है क्या करता रहता है भाई, पता ही नहीं सकता मुझे समझ में। चलो अपने को इंटरेस्ट नहीं है भाई, मैं ड्राइंग करता हूँ अपनी। और हमारी मामी जी यहाँ बैठी है, मामी जी को हमने ये वाले चारपाई दे रखी है ना, क्योंकि पैर सीधा रखना है और डिस्टर्ब भी ना हो ब्लॉगिंग वगैरह में ना, डर तो नहीं हो रहा ना, चलो बढ़िया। और ये अपने अलग गेम देख रहा है, कौन सी गेम देख रहे हैं। और गाइस घर में दक्ष भी आया हुआ है, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, ये देखो क्या, ये बस ऐसे ही देखता रहता है, ऐसे ही देखता रहता है बस, इसको चार दिन हो गए यहाँ पे, बस ऐसे ही देखता रहता है। ये देखो अब देखो अब भी उसको देखने लग गया, वो हंस गया, वो हंस रहे, चलने की कोशिश करता। देखो ओरी नो ओरी और यो, यहाँ हमारी डिनर की तैयारी, यहाँ आटा गूंद रहे हैं, ये बनेगी आज लौकी की सब्जी। और ये देखो अब देखना, तो गाइस डिनर रेडी हो गया, इसको भी खाना खाना है। ये किसकी थाली है, किसकी थाली, उठा लो उठा लो उठा लो, किसकी है। तो डिनर हो चुका है, फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, फिर ड्राइंग भी करनी है, इस ब्लॉग करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं इस ब्लॉग में, थैंक यू सच फॉर वॉचिंग, बाय। तुम्हारी स्कूटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक खत्म, बैटरी खत्म, वाह गाइस बैटरी खत्म हो चुकी है सोना भाई की वजह से, मेरी वजह से बैटरी खत्म हो गई है। सोना भाई तुमने रोकी नहीं गाड़ी, वहाँ तो मेन रोड पे नहीं रोक सकता ना, मतलब मैंने जो आपसे कहा रोक लो तो आपने कहा अभी रोक रहा हूँ, फिर आप यहाँ तो यहीं पर रोकिए ना, मेन रोड पे नहीं रोक सकते।